नमस्ते किसान भाइयों, हम लोग आज राहटी गांव में हैं और राहटी गांव में एसपी ने सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग के तरीके से श्री दायेदार साहब इनके खेत में हम लोग आए हुए हैं और इन्होंने जो मॉडल तैयार किया है पंचस्तरीय का, तो थोड़ी सी हम लोग जानकारी ले लेंगे कि इन्होंने इसको एक बार भी ये वीडियो बन चुका है, जब ये लगा रहे थे उस समय एक वीडियो बनाया था हम लोगों ने। तो आज की जो पोजीशन है, हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर अभी जो एसपीएनएम तकनीक से इन्होंने कैसे डेवलप किया है। तो नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्ते। हाँ एसपीएनएम नागपुर की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। और आप बताएं कि ये जो प्लॉट अपन देख रहे हैं, तो आपने इसकी जो शुरुआत है कब की थी? ये जून 19 को अपन दो नाइनटीन हजार उन्नीस जून को दो हजार किया। उन्नीस को हाँ इसकी शुरुआत की थी। लगाए झाड़ लगाए थे अपन ने, हाँ तो ये पंचस्तरीय मॉडल अपन ने किए थे। हाँ तो पंचस्तरीय के बारे में मैं पूछना चाहूंगा आपको कि पंचस्तरीय यानी मुख्य फसल आपकी क्या है इसमें? अब इसमें मुख्य फसल है 24x24 के ऊपर संतरा। ये संतरा है, ये कब हाँ, लगाया आपने ये संतरा? ये जून 19 को लगाया है। जून 19 को। और ये दो संतरे की जो दूरी है हाँ, ये कितनी है ये आपकी? इधर एक इधर 24 फीट की है हाँ और इधर 12 फीट की है, अच्छा, 24x12। ये बारह आपको में। दूसरा हाँ, दूसरा जो दिख और रहा है इसके वो बीच में लगाया है हमने शेवगा, ये मुंगना, मुंगना है, ये मुंगना लगा हुआ है। मुंगना लगाया है। हाँ ये मुंगना लगा हुआ है, मतलब 24x12 में आपने पहले ये मुख्य फसल है आपकी संतरा, ये संतरे की है। संतरा। और फिर हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये केला भी लगा हुआ है आपका, केला भी है, और केला भी लगा हुआ पपीता है भी और है। पपीता भी लगा हुआ है, हाँ ठीक है ना? हाँ तो ये केला और पपीता कैसे लगाए वो बताएं, मतलब कितनी दूरी पे कैसे हाँ तो कैसे? वो 6 फीट का डिस्टेंस करके लगा है। हाँ तो कहाँ से 6 फीट, ये जैसे अभी 12 फीट के मतलब ऊपर संतरे संतरा से, है, संतरे से कितना फीट आ गया? संतरा से 6 फीट 6 फीट पे पहले केला आ गया, पेल के केला आ गया, उसके छह फिर फीट में छह फिर फीट पे फिर पपीता आ पपीता गया। आ गया, हाँ, ठीक है। अब ये नीचे और हम लोग देख रहे हैं, नीचे में ये तो ये जैसे अंतर पपीते पीक पपीते के, करके। हाँ हाँ, पपीते के तो नीचे हम वो लोग देख बीट रहे रूट हैं, है, ये बीटरूट है, ये गाजर है, ये गाजर है, हाँ ये भी गाजर उधर है, मूला मूला है, ये मूली दिख रही ये है। मूला है इधर। हाँ तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पंचस्तरीय में, मतलब एक फसल आपकी गाजर की भी हो गई, दूसरी फसल आपकी बीटरूट की हो गई, तीसरी फसल आपकी ये पपीते की हो गई, चौथी फसल आपकी मुंगने की हो गई, हाँ, और बाद में ये केला भी आ गया। केला भी है। हाँ तो केला भी काफी शानदार हुआ है, मतलब अभी ये केले की आखिरी आखिरी फसल आपकी जो है ये बाकी है, तो ये भी काफी शानदार आपका आया होगा। इसके साथ में ये हाँ जो ग्रोथ है, आप झाड़ों की ग्रोथ देखेंगे कि अब ये केला है, ये केला अपना आखिरी फसल देने के बाद में इस केले को निकाला चले जाएगा। हाँ लेकिन इसके साथ में इन्होंने सब्जियां भी ली है, सब्जियां आप देख रहे हैं, ये सब्जियां, इसमें गाजर है, ये देखिए संतरा पेड़ भी। जो है संतरा, अगर आप देखेंगे तो ये 1.5 साल का पौधा है, सिर्फ 1.5 साल के पौधे में ये इस तरीके की पंचस्तरीय जो है। आप मूली देख रहे हैं, मूली में भी आपको काफी है। इसके आगे में हम लोग अगर देखेंगे तो ये जो पपीता है उधर, केला है, ये तो किसान भाइयों को ये देखिए कि पपीता, शानदार पपीता लगा हुआ है। इसमें इन्होंने सरसों भी डाली हुई है, और इस तरीके से ये जो नज़ारा है, ये पूरा नज़ारा आपको पंचस्तरीय में, अगर उधर दूर देखेंगे तो उसमें लहसुन भी लगा लहसुन हुआ है है। उधर, और क्या क्या लगाया है आपने? हाँ उस साइड में आलू है, आलू के बीच में उधर सूर्यफूल भी है और सूरजमुखी है। हाँ सूरजमुखी है, और हाँ उसी प्रकार से स्वीट कॉर्न ये भी है, सिटकॉर्न भी है, इसके साथ ही आपने हल्दी भी लगाई है, हल्दी अदरक है, भी उस लगाई साइड में है। अदरक है, हाँ इधर सब्जियों का है, बैंगन है, सब पत्ता है, पत्ता गोभी है, भिंडी है, सब दस दस प्रकार की
सब्जियां भी लगी है उस साइड में। तो आप बताइए कि आपने तो पूरा एकेडमिक का पूरी जिंदगी गुजारी है सर आपने, तो ये 2 साल का आपका ये खेतों के अनुभव में आप किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखो, हमें विषमुक्त तो अन्न यदि पैदा करना है और SPNF मेथड करके हम एक ही क्रॉप में लेते हुए, अब जैसे 24x24 का मेरा मॉडल है जिसमें संतरा है, केला है, पपीता है, तो इसमें मैंने इंटरक्रॉपिंग की, इसमें सारी सब्जियां मैं हर वक्त लेता हूँ दोनों सीजन में। तो किसान भाइयों को मेरी ये गुजारिश है कि हम इंटरक्रॉपिंग से लेके तो बाकी एक झाड़ के ऊपर, एक फसल के ऊपर ना निर्भर रहते हुए, हम इस प्रकार से यदि सभी प्रकार का उपयोग करके यदि करते हैं तो उसका फाइनेंशियली भी बेनिफिट मिलता है, आर्थिक भी बेनिफिट मिलता है। एक क्रॉप खत्म हो तो दूसरा क्रॉप आपको सपोर्ट करता है। तो इसीलिए इस मेथड का अरे यूज यदि किए किसान भाइयों ने तो बहुत सारे फायदे इसमें है। बहुत ही खूबसूरत आपने ये प्लॉट बनाया है, तो आखिर में मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। और मैं हेमंत सिंह चौहान, SPNF नागपुर से।